एंड वेलकम टू द चैनल। शुरुआत करते हैं दिन की कुछ नाश्ता करके। तो नाश्ता जो आज बन रहा है ना, बन क्या रहा है मैं बोलूंगी, तैयार हो ही चुका है। वो बहुत ही इजी है, बहुत ही हेल्दी है और सबसे बड़ी बात अंगद को बहुत पसंद है, तो मेरा काम हो जाता है एकदम आसान। तो हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में आज म्यूसली। तो हम लोग म्यूसली कॉर्नफ्लेक्स आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं, लेकिन हम ना उसमें कोई फ्लेवर नहीं ऐड करते हैं। तो इसलिए ना बहुत जरूरी है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं मिल्क, उसमें वो हेल्दी हो, प्योर हो, साथ ही साथ में टेस्टी होना चाहिए। क्योंकि अंगद का ये रहता है कि मिल्क में अगर स्मेल है ना तो वो उसको पीना नहीं चाहता है। तो जो मेरे पास पहले वाला मिल्क मैं यूज कर रही थी ना, उसमें बहुत सारी परेशानी मुझे आ रही थी। एक तो ऑब्वियसली उसमें जो टेस्ट था वो कंसिस्टेंट नहीं था, उसमें स्मेल आ रही थी, उसमें मलाई ही नहीं जमती थी कि मैं उससे आगे जाकर के घी बनाऊं। मैंने आपसे ब्लॉग में भी शेयर किया है कि चाय जब भी मैं बनाती हूं अच्छा चाय नहीं बनता है, अलग अलग टेस्ट होता है, पानी जैसा लगता है। उसका रीजन यही था कि दूध अच्छा नहीं था। तो सबको ध्यान में रखते हुए दूध बदलना बहुत जरूरी था। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि अगर मैं यूज करती हूँ कंट्री डिलाइट का ये काओ मिल्क, तो इसमें वो सब कुछ है जो मैं ढूंढ रही हूँ। सबसे पहले जरूरी है कि ये हेल्दी होना चाहिए। तो ये है 100% प्योर और नेचुरल, और ये डायरेक्टली फार्म से आपके घर में भेजा जाता है। और जो गाय का दूध ये है, वो गाय भी कोई आम गाय नहीं है, वो है गीर गाय और वो है सहीवाल गाय। अब जब भी ना आप देसी गाय का दूध पीते हो ना, तो आपके स्टमक पे बहुत लाइट होता है, हेल्दी तो ऑफकोर्स होता ही है। उससे मैंने इस पे स्विच किया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी मलाई कैसी जमती है। एक मिनट, ये देखिए आप, ओ माय गुडनेस, सी इतनी थिक मलाई इसमें आती है ना, जो कि आपको शायद लगेगा कि ये भैंस के दूध में भी नहीं आती होगी, इतनी थिक मलाई इसमें काओ मिल्क में आती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के पूरा दिखाती हूँ, लुक एट दिस। जो आप देख रहे हो ना, ये है कंट्री डिलाइट का काओ मिल्क, जो मैंने सिर्फ एक बार ही रात को बॉइल किया है। इसकी थिकनेस देखिए मलाई की, और ये वाला है मेरा नॉर्मल मिल्क जो मैं पहले यूज किया करती थी, इसको भी मैंने रात को उबाला है, और इसमें देखिए मलाई कैसी फेन फेन सी मलाई आई हुई है। सोचिए सिर्फ एक बार बॉईल करने से, काओ मिल्क से अगर इतनी थिक मलाई आती है, सोचिए इसी को अगर आप कुछ दिनों तक स्टोर करोगे तो इस मलाई से कितनी टेस्टी आप बना सकते हो घी। तो मैंने भी स्टोर किया और मैंने घी बनाया, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ देखिए कितना ज्यादा दानेदार घी बना है, क्वांटिटी भी अच्छी निकल करके आई है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप टेस्ट करोगे फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल हेल्दी टेस्टी एंड देसी गाय का दूध, तो फिर स्टार्ट कर दीजिए यूज करना कंट्री डिलाइट के मिल्क। इनका ऐप है, लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलता है आपके पहले रिचार्ज पे ₹100 का कैशबैक, तो जरूर कर लीजिएगा, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। देखिए कितना सुंदर है ये, जैसा मैंने देखा था ना अमेजोन पे, बिल्कुल वैसा ही आया है। साइज भी इसका बहुत अच्छा है। अंगद को लगा कि मैंने ये पूजा रूम में रखने को मंगाया है, तो जैसे ही मैंने ओपन किया, कह रहा है इतना बड़ा क्या करो कि वहां पे ऑलरेडी इतना बड़ा शंख रखा है, जगह है ही नहीं। मैंने कहा ये वहां के लिए नहीं है, ये मैं घर में और अलग अलग कोने में रखूंगी। स्पेशली ये बुद्धा मंदिर के पास, देखा ना आपने कितना सुंदर लग रहा था। तो एक्चुअली ये मेरे विशलिस्ट में पिछले दिवाली से पड़ा हुआ था, लूंगी लूंगी पर नहीं ले रही थी। तो अभी जो मैंने व्लॉग में शेयर किया था ना कि नया धूप लिया है मैंने, उससे बहुत सारा धुआं आता है पूरे घर में, तो वो देख के इंस्टाग्राम पे मेरे एक व्यूअर ने मुझे ये किया मैसेज कि शोना आप ये ले लो अच्छा रहेगा। और मैंने उनको भी यही रिप्लाई किया कि ये मेरे पड़ा हुआ है विशलिस्ट में, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मैं ले ही लेती हूँ। फाइनली मुहूर्त आ गया। ये सारे मेरे किचन टॉवल्स अपने वॉश किए हुए हैं, तो मैं ना इनको रात को वॉश कर देती हूँ किचन क्लोज करने के बाद, और रात में ही डाल देती हूँ सूखने को, तो सुबह तक सूख जाते हैं। और ये बनाया था मैंने पनीर, इसको हाथ से ही धो लेती हूँ, ऐसे ही हल्का सा ना डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना वो डाल के इसको रब कर लेती हूँ, तो ये क्लीन हो जाता है।
अच्छा आप लोग भी मेरी तरह ये काम करते हो कि नहीं मुझे बताइएगा। ये आप देख रहे हो एक लाइन से क्लिनिक का ये फाउंडेशन रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे ने नया भी मंगा करके रखा हुआ है, लेकिन फॉर सम रीजन पता नहीं मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। मुझे लगता है कभी काम पड़ेगा ना तो अंदर से दबाएंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा आता है। आप बीमारी है पता नहीं, मैं सोच रही हूँ ना सबको फेंक दूं। इसमें थोड़ा सा है, देखिए हो गया, मुझे लग रहा है इसमें है तो मैं फेंकना नहीं चाहूंगी, पर ये तीनों एक्चुअली खत्म हो गए। चलिए अब मुंह नहीं रखते हैं, आज इसको मैं पक्का फेंक रही हूँ। जाओ 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 जाओ। और ये वाला बेडशीट भी मैंने आपको अभी रिसेंटली जो मैंने अमेजोन हॉल वीडियो किया था ना उसमें दिखाया था। एक तो ये कितना सुंदर दिखता है वो देखिए, दूसरा ये इतना सॉफ्ट है ना, तो भी दो तीन दिनों से मैंने इसको बिछा के रखा है। ओ माय गॉड, इसको आप फील करोगे ना बहुत ही अलग है, बहुत मखमली सा फील आता है और कितना सुंदर लगता है देखिए। एक तो मेरे रूम के थीम से मैच करता है बेज एंड बेज, प्लस ये जो बड़े बड़े प्रिंट्स है ना, मुझे ये बड़े बड़े प्रिंट्स अच्छे लगते हैं बेडशीट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी मेरे साथ और मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूंगी, पर वो रह गया पता नहीं कैसे। तो मैं जो गई थी ना अंगद के बर्थडे के लिए कुर, तो लास्ट डे आपने देखा होगा वीडियो में हम लोग एक टेम्पल गए थे, तो अंगद के एक दोस्त ने रिकमेंड किया था कि बहुत ही फेमस टेम्पल है कुर का, आप वहां जरूर चले जाना। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम लोग वो टेम्पल भी गए थे, तो वहां पे गए तो पंडित जी थे वहां पे, और ऐसा लग था ना कि अगर हम लोग 15 मिनट भी लेट जाते तो वो टेम्पल बंद हो जाता, क्योंकि लंच टाइम खत्म हो गया था। वहां पे लंच मिलता है टेम्पल में तो तब तक खुला रहता है, भगवान को भी भोग लगता है, फिर बंद हो जाता है। पर हम लोग जब पहुंचे थे, लकीली वहां पे पंडित जी उस टाइम पे थे, तो हम लोग गए पूजा करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए, तो बताया बैंगलोर से आए, सब कुछ बताया। तो उन्होंने पूछा कि शादी हो गई, तो हमने कहा हाँ हाँ हस्बैंड वाइफ हैं। तो उन्होंने कहा कितने साल हुए, तो हमने बताया, तो बोला और बेबी, तो हमने कहा नहीं बेबी तो अभी तक नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे सॉरी सॉरी ओके ठीक है वेट। तो हमने कहा क्या हो गया पता नहीं, तो वो गए और अंदर से एक इतना बड़ा सा कुछ लेकर के आए, थाल टाइप का, उसमें फूल और कुछ कुछ चीजें थी, अक्षत वगैरह रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ना हमें लैंग्वेज बैरियर हो रहा था, वो उतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, और अंगद जो है वो कन्नड़ा समझता है, थोड़ा बहुत समझता है, उतना भी नहीं, तो थोड़ा बहुत हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो उन्होंने हमें बोला थोड़ा बहुत इशारा करके कि अभी हम लोग पूजा करेंगे और गॉड से ब्लेसिंग्स लेंगे, आपको बेबी होगा उसके बाद, आप लोग बहुत सही जगह पे आए हो, यहाँ पे जो भी आता है उनकी इच्छा पूरी होती है, विशेष पूरे होते हैं, तो आई एम आस्किंग गॉड टू गिव यू बेबी। तो अभी अब लोग हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, हमने कुछ भी नहीं बोला। तो फिर हमने कहा पूजा, तो उन्होंने कहा हाँ पूजा। तो फिर उन्होंने हमसे वहां पे ऐसे ही खड़े खड़े हमसे पूजा करवा ली। उसके बाद हमने उनको बोला कि हमें अन्नदान करना है, वहां पे किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वेट बट लेट्स प्रे फर्स्ट। तो उन्होंने कुछ कुछ किया और ना उसके बाद उतना मुझे समझ नहीं आया, पर उन्होंने मतलब ऐसे वो भगवान से बात कर रहे हो उस टाइप की पूजा वो कर रहे थे, ऐसे पीछे भगवान का मूर्ति था, वो सामने खड़े थे और वो उनकी तरफ देख करके हमारी तरफ देख करके कुछ बोल के कुछ तो बोल रहे थे, ऐसा लगा था मानो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो भगवान को। उसके बाद वो अंदर गए और अंदर जाकर के प्रसाद लेकर के आए, और वो प्रसाद में नारियल वगैरह था, तो वो हमें एक पैकेट में दे दिया, और दूसरा प्रसाद ऐसे ही हाथ में था, इतना सा प्रसाद था, उन्होंने मेरे हाथ में रखा और ये बोला यू गो होम आफ्टर योर पीरियड्स सेकेंड डे have like medicine this prasad like medicine second day to 11 day okay and god give you baby। तो अभी कोई आपको प्रसाद दे रहे हैं इस तरीके से बोल रहे हैं, तो मैं इसमें क्या बोलूं कि नहीं अब हमें यार अभी प्लान ही नहीं है, अभी हम नहीं सोच रहे, ऑफकोर्स आप कुछ भी नहीं बोलोगे। तो मैंने स्माइल किया ओके एंड व्हेन बेबी कम्स, उन्होंने बोला इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल रहे थे, कम अगेन प्रे।
तो मैंने कहा 3 months बेबी बिफोर यू कम प्रे, तो मैंने कहा ओके पंडित जी श्योर श्योर गॉड गिव यू बेबी श्योर। तो मतलब इतना बस हमने उनको कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने पूछा शादी कब हुई, बेबी है नहीं, ओके, और खुद ही उन्होंने आगे, तो वो प्रसाद में ना एक्चुअली क्या हुआ कि लेकर के तो मैं आई, अभी कहाँ रखे क्या करे, तो मैंने उसको मंदिर में रख दिया इस, ये वाले इसमें करके कि ठीक है अब रखते, अब करे क्या, प्रसाद फेंकेंगे तो नहीं, प्लान कुछ है नहीं तो करे क्या, समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अंगद को बोला अंगद करे क्या, अंगद ने बोला मंदिर में रख दो। तो अभी जो आज मैं पूजा करी थी मैंने खोला ड्रॉर तो मुझे ये दिखा, फिर लगा अरे ये तो मुझे शेयर करना था आप लोगों से, मैंने बताया ही नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको प्रसाद, बहुत थोड़ा सा है, और उन्होंने कहा 2nd डे से लेकर 11th डे तक खाना थोड़ा थोड़ा करके, इतना सा बस प्रसाद है, ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा, पता नहीं आटा है कि क्या है, आई डोंट नो, बहुत ही थोड़ा सा। और मैं अभी जब मैं ये खोलने गई ना, जब मैं दोपहर में तो पूजा कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये खराब हो गया होगा, क्योंकि मैं कितना दिन हो गया मुझे आए हुए, 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए, तो मैं सोचती पक्का ये खराब तो हो गया होगा, मैं देख रही हूँ तो नहीं खराब नहीं हुआ है, तो मतलब ये आप रख सकते हो। तो ठीक है जब प्लान करने का समय आएगा, प्रसाद भी है ही है, पंडित जी ने ब्लेसिंग्स दिया है, भगवान ने ब्लेसिंग्स दिया है, तो जब भी प्लान होगा तो याद रहेगा तो जरूर। तो हाँ ये शेयर करना था मुझे आपसे। तो बहुत अच्छा टेम्पल है वो, और हमें तो बस ऐसे फ्लूक से, मतलब एक दिन पहले मैंने फेसबुक पे डाला फोटो उसके, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं कुर्ग में, तो अंगद के फ्रेंड ने पिंग किया कि वो टेम्पल चले जाना, अभी हम टेम्पल चले गए, टेम्पल बंद होने से कुछ देर पहले चले गए, पंडित जी मिल गए और पंडित जी ने बिना मांगे हमको प्रसाद भी दे दिया, तो आई डोंट नो क्या था नहीं था, पर हमने इसको टेम्पल में रख दिया। तो ये आपसे शेयर करना था, पर इनकेस मान लीजिए आप लोग में से कोई रहते हो बैंगलोर में या आसपास में और आप लोग सच में चाहते हो तो आप जाओ एक बार वो टेम्पल और पंडित जी से बात कर सकते हो आप, तो क्या पता आपको भी कुछ प्रसाद दे। तो मतलब मुझे ठीक लगा, मैं टेम्पल का नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे आप वो वाला ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कौन सा टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है कुरुक का। तो हाँ ये शेयर करना था मुझे आपसे। ये देखिए अंगद का ऑफिस सेटअप हो चुका है। तो अगर आपने पिछला 2 व्लॉग देखा होगा तो हम दोनों रोना रो रहे थे कि हमें स्क्रीन लेना है और ये फिट कैसे आएगा, इसको निकालने का अब जरूरत नहीं पड़ा। एग्जैक्टली एक्चुअली ये याद होगा आपको, हम कह रहे थे कि ये निकालेंगे कि कटवाएंगे कुछ करेंगे तब जाकर के ये बड़ा स्क्रीन फिट आ पाएगा, लेकिन जब अंगद ने ये परचेज किया ना तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, ये ऐसा वाला लिया ना जिसमें हाइट एडजस्टेबल है। एक्चुअली यहाँ से मैं यहाँ पिक्चर दिखाऊंगी आपको, डाउटफुल था एक्चुअली क्योंकि कहीं पे डायमेंशन एकदम करेक्टली एक्यूरेटली कहीं पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट पे भी एक्यूरेट मेंशन नहीं था कितना इंच होगा, नहीं मतलब वो लोग ये नहीं बताया है कि मिनिमम हाइट पे रख के इवेंचुअली कितना अच्छा टोटल हाइट बनेगा। हाँ। तो वो लोग विद स्टैंड विदाउट स्टैंड ऐसे करके बोल रहे थे, तो मेरे को पता नहीं था कि वो हाइट फुल हाइटेड में कितना हाइट आएगा और कंप्रेस्ड हाइट में कितना आएगा, करेक्ट, तो वो पता नहीं चल रहा था मुझे, तो तुक्का मार के मैंने ले लिया ये वाला। पर ये एकदम सही डिसीजन लिया। अभी देखिए 1 इंच भी नहीं, मतलब लिटरली ये जो सबसे नीचे अगर हाइट कर दिया अंगद ने तो ये पूरा फिट हो गया और पूरा पीछे तक अंगद ने लगा दिया है। तभी देखिए कितना डिस्टेंस बच रहा है कि यहाँ पे कीबोर्ड भी खत्म हो जाएगा, देखिए फिर भी इतनी जगह हमें मिल रही है, तो ये परफेक्टली हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा ये बच गया बेचारा, वरना मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसको काटना पड़ेगा, पर मैं रेडी थी, मैं हर चीज के लिए रेडी थी कि चलो कर लेते हैं क्या करेंगे। और ये जो आप झगड़ा मारता हुआ देख रहे हो ये मैंने अंगद को जबरदस्ती खरीदवाया है, वो नॉर्मल सिंपल सा ले रहा था, मैंने बोला ये लो ये लो, ये कह रहा है अरे वो गेमिंग के लिए बाबा मुझे काम करना है, मैंने कहा ले रहे हैं तो थोड़ा कलर दिखना चाहिए। और एक और चीज मैंने ऑर्डर कर दी है, सेम प्राइस में मिल गया जो नॉर्मल, हाँ प्राइस सेम ही था। और यहाँ पे मैंने एक चीज और ऑर्डर करी है, वो मेरी तरफ से अंगद को गिफ्ट रहेगा, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, पर आने में टाइम लगेगा। देखिए ये जब आ जाएगा ना तो अंगद तुम्हारा ना एकदम थीम हो जाएगा, मतलब पूरा ऑफिस तुम्हारा घर आ चुका है। पीछे में थोड़ा और लाइटिंग लाइटिंग लगा देता हूँ, फिर गेमिंग सेटअप, तब तो तुम यूट्यूब में वो गेम नहीं बनाते बच्चे लोग, फिर तुम वो स्टार्ट कर दो। चलिए चाय फटाफट तो पियेंगे ही, उसके बाद निकल रही हूँ बाहर। तो मैंने दिया था एक्चुअली एक कपड़ा फिटिंग करने के लिए, तो उनका फोन आया है कि फिटिंग हो गई है आप आकर के ले जाओ, तो अंगद ने कहा है मीटिंग नहीं है आज उसकी शाम को, सीधा 10:30 बजे रात को है, तो फटाफट वो भी कलेक्ट करेंगे, एक आध काम और है वो सब करवाते हुए आएंगे। ये वाला नेल पेंट मैं लगाने जा रही हूँ फटाफट, पर मेरा आलस से देखिए मैं इसको बिना निकाले ऊपर ही लगा लूंगी, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं बताइएगा, कि लाइट कलर लगाया हो तो एक कोट डार्क का तो बिना निकाले ही लाइट वाले को लगा लेते हो, बाद में फिर चेंज करते हो, तो मैं तो ऐसे ही लगा लूंगी। फोन आ गया टेलर से, हाँ तुम अभी से तैयार होना शुरू कर दो, चाय पी के तैयार होंगी अंगद,
चाय पी के नहीं, ये प्रॉब्लम किसके किसके हस्बैंड में है बताइए, और फिर चाय पियो, फिर बाकी का फिर तैयार होना। ये प्रॉब्लम किनके किनके हस्बैंड में है, जहां अंगद को बोल दूं बाहर जाना है, काम है, मतलब सब काम छोड़ के मेरे पीछे पड़ेगा, तुम रेडी हो जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मान लो कि मैं कौन सा 2 घंटा लेती हूँ तैयार होने। इतना जोश जोश में घर से निकली है, पर जो ट्रैफिक है ना उसके बाद पूरा जोश ठंडा हो जाता है। एनीवेज, एक मैंने आपको दिखाया था बहुत पहले व्लॉग में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से व्लॉग में, एक कपड़ा दिखाया था कि मैं इसको सिलवाने जा रही हूँ, आप लोग गेस करिएगा कि ये क्या बनने वाला है। तो मैं बता देती हूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि वो कपड़े का कुछ नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैं उसको ले गई ना, याद है मैं बोल रही थी कि जो भी ऑनलाइन कुछ भी लेती हूँ ना तो कपड़ा कम पड़ जाता है, चाहे ब्लाउज पीस के लिए लूँ कुछ भी लूँ। तो जब मैं उसको लेके गई दुकानदार के पास तो उसने भी फिर से वही बोला कि मैम इसका जो आप चाहते हो ना वैसा नहीं बनेगा, एक्चुअली उसका मुझे एक ब्लाउज ही सिलवाना था। तो वो नहीं सिलवा पाओगे आप, और फिर जोर जोर करेंगे ना नहीं अच्छा लगने वाला। तो मैंने उसको रिटर्न डाल दिया क्योंकि वो रिटर्न हो सकता था, विंडो में था, तो वो प्रॉब्लम आई थी। तो वो डिस्कार्ड हो चुका है, उसको भूल जाइए। फिर मैंने कुछ नया लिया, उस कुछ नए का फाइनली हो गया। तो याद कर पाए तब ना भूल जाइए, वही याद भी नहीं है, भूल गए। पता भी नहीं है कि किसी को याद आया भी है कि नहीं आया है। अरे जिसको जिसको याद आया वो भूल जाइए, वो खत्म हो गई बात, ठीक है। अभी हम नए कुछ कर रहे हैं तो मैं भी माता को जा रहा हूँ यहाँ पे कि किस बारे में बात हो रही है ये। तुम रहने दो, तुमको तो कुछ नहीं याद रहता, इसको तो कुछ नहीं याद रहता, ये तो कपड़े खरीद लूँ बात कर रही हूँ। अंगद उसका मैचिंग का वो लेना था ना, कौन सा, अरे वो जो लिया था ना उसका बैंगल्स, वो कब कहाँ लिया तुमने, अरे लिया है पिंक कलर का, कब पहनोगी। मैं इसको समझाने से अच्छा है मैं खुद ही डिसीजन लेके खरीद लेती हूँ। बैंगलोर में ना नर्सरीज बहुत होते हैं, ऐसे आप देखोगे ना हर एक मोहल्ले में, लगभग आपको कहीं भी किसी भी मतलब हर एक रोड पे मैं देखती हूँ ऐसे बड़े बड़े नर्सरीज होते हैं। और ये बिल्डिंग कितना सुंदर है देखिए, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्रिक वाला बिल्डिंग्स ऐसे बहुत सारे होते हैं बैंगलोर में। एक है बिल्डर टोटल इन्वायरमेंट करके, वो बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाता है, और कितनी पेड़ पौधे हैं देखिए। ये बात तो माननी पड़ेगी बैंगलोर की, बहुत ही पेड़ पौधे ज्यादा है। दिख रहा है आपको सामने बादल, वो बादल जो है वो धीरे धीरे गहरा रहा है और बारिश होनी है, अब जाके रोड खुला है देखिए। अभी तब से रोड जैम 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 ही था। ये वाला प्रोजेक्ट देखिए, ये आई गेस है ना अंगद जी, टोटल एनवायरमेंट का है ना, यही ऐसे करके ना नाम भी अजीब अजीब, हाँ टोटल एनवायरमेंट बिल्डर का नाम है, फिर अलग अलग रखते हैं। देखो इसका है रेनबो, रेनड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड, बिल्डिंग का नाम है Raindrops keep falling on my head। हाँ, ये उसका बिल्डिंग का नाम है। तो किसी ने शॉप किसी ने समझाना हो कुरियर वाले को, हाँ, तो ये नाम लिखना पड़ेगा तुमको, उसके बगैर कैसे पता चलेगा। कुरियर वाला फोन करेगा, हाँ मैडम कहाँ हूँ, अरे भैया वो बिल्डिंग नहीं है रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन माय हेड, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैडम बारिश तो हो ही रही है, माय हेड आल्सो। ये वाला जो बिल्डिंग है ना, ये इतना सुंदर लगता है दिखने में, जब भी मैं इधर से क्रॉस करती हूँ, मैं ही क्या बहुत सारे लोग बैंगलोर में इस बिल्डिंग को जरूर देखते हैं। तो अगर आप लोग बैंगलोर से हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ये किस एरिया में ये बिल्डिंग आती है। तो ना ये एकदम मतलब ऐसा हो गया कि टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, कई लोग यहाँ पे आके खड़े होकर देखते रहते हैं। अलग अलग यहाँ पे ना स्क्रीन्स लगे हुए, बहुत सारे LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं। कहा था ना बारिश होगी लग रहा है, ये देखिए जब तक हमने सारे काम निपटाए, तो सारा काम वगैरह निपटा लिया, लेकिन जो एक काम था जो करना ही करना था वो था टेलर का काम, जो मैंने कहा था मुझे कपड़ा लेना है वो काम रह गया। और अभी अंगद से मैं वही डिस्कस कर रही थी कि ना वो लेते हुए हम लोगों को बाकी का काम करने निकलना चाहिए था, और अंगद ने बोला मैंने सोचा था कि पहले कलेक्ट करूं, तो मुझे लगा तुम फिर बोलोगे कि नहीं नहीं पहले बाकी काम खत्म करो, मैंने नहीं कलेक्ट किया। अब दिक्कत ये हो गई है कि
लेना पड़ेगा कल के कल हमें। हम लोग जा रहे हैं बाहर ही कुछ खा लेंगे क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया। तो अंगद ने मुझे बस एक प्रपोजल दिया और मैं पट से मैं एक्सेप्ट कर गई। क्या बाहर खाते हुए चले? हाँ बिल्कुल, क्या मौसम है, क्योंकि मुझे बनाना था ना। वैसे मेरे पास में वो लौकी और चना दाल की सब्जी थी थोड़ी बची हुई। अब लौकी तो, कौन खाना चाहता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि मैं वो एक्साइटेड हूँ। हाँ रोटी और वो खाएंगे। अगर आप लोग ने न्यूज में देखा है ना कि बैंगलोर में बाढ़ आ गया था, वो एक्चुअली यही एरिया था। और देखिए 10 मिनट भी मुश्किल से बारिश हुई है, बंद हो गई। और देखिए पानी, तो वो जो प्रॉब्लम हुई थी ना वो इसी एरिया में हुई थी। पर ये लोग काम कर रहे हैं अभी, हमें पता है। सरप्राइजिंग बात है, इतना हफ्तों बाद भी यही हाल है। फिर देखिए 10 मिनट मुश्किल से बारिश हुई है, वो भी कितने, कितने लोगों का घर तोड़ दिए। हाँ, और ये हाल है देखिए। देखिए मैंने सोचा ये कीबोर्ड आपको दिखा देती हूँ, क्या मस्त चमक रहा है ये कीबोर्ड। और इसकी जो माउस है उसमें भी चमक है। अंगद ये तो पूरा दिवाली वाला थीम दे रहा है, देखो पूरा कलर चेंज है। अरे हाँ ये वैसा ही है जैसा हम लोग घर पे लाइट्स लगाते हैं ना। और ये देखिए कितना अच्छा लगाया। तो ये मैं अंगद को एक्चुअली कन्विंस कर रही हूँ कि अच्छा ही है, अच्छा है। तुम ये मत कर रहा हूं, क्या पता तुमको लग रहा हो क्या खरीदवा दिया लड़की ने। अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर रखा है, मैं दिख रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे तुम इतने चमक रहे हो क्योंकि मेरे भगवान जी यहाँ से रोशनी तुम पे डाल रहे हैं। 10 बज गए और हम लोग अभी जस्ट घर आए और अंगद फटाफट बैठ गया। उसकी मीटिंग होगी शायद, पता नहीं होगी नहीं होगी, पर अपना वो काम कर रहा है। मैं फटाफट चेंज करूंगी, उसके बाद में इस व्लॉग को एडिट भी मुझे करना है। वो सोच रही हूँ कर ही लूं, पर उसके पहले चेंज करूंगी। मन तो कर रहा है पता है शावर ले लूं। आज गर्मी है, बारिश हुई ना उसके बाद थोड़ी गर्मी और बढ़ गई, पर कुछ देर के लिए ही बारिश हुई थी। देखती हूँ क्या करूंगी। चलिए फिलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियोज आने वाले हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, तभी मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। जैसे मैं अपलोड करूंगी आपको यूट्यूब बता देगा कि शोना ने वीडियो अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं ना। कई बार क्या होता है फीड में नहीं आएगा तो गुम हो जाएगा, तो वो कर लीजिए। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।